नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आपके सपने में। मैं अंशु यहाँ पर लेकर के आती हूँ सपनों की व्याख्या। आज का जो हमारा सपना है उसके बारे में बात करते हैं। यदि आप सपने में कोई हिसाब किताब करते हो, लाइक जो व्याय वाला खाता होता है ना, एक बुक होती है रेड कलर की, ठीक है, तो जिसमें आप जो बनिए लोग होते हैं वो लोग वो सब करते हैं, हिसाब किताब करते हैं जो लाला लोग होते हैं। तो यदि आप इस तरीके से सपने में देखते हो आपकी आप हिसाब कर रहे हो किसी भी चीज़ का, आप कोई पर्टिकुलर हिसाब लगा रहे हो, देन बंटवारा इन ऑल दैट जितनी भी चीज़ें होती हैं आप वो सब कर रहे हो, तो अगर आपको इस तरीके से सपना आता है कोई भी, तो यह सपना आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेगा यहाँ पर बात करते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सपने में व्यवसाय का हिसाब किताब करना, जी हाँ, आप कोई व्यापारी हो, आपके पास कोई व्यवसाय है, कोई काम है, आप उसके सिलसिले में कोई ऐसा हिसाब किताब रख रहे हो, लगा रहे हो, उसके बारे में यहाँ पे ये व्याख्या है। जब व्यक्ति स्वप्न में अपने व्यवसाय का लेखा जोखा करता है, स्वयं को देखता है, तो उसका अपनी प्रेमिका से मनोमालिन्य हो जाता है। यदि हिसाब किताब में गड़बड़ी हो तो प्रेम संबंध समाप्त प्रायः हो ही जाता है, ठीक है। यदि हिसाब किताब आसानी से मिल जाए तो शीघ्र ही पत्नी का सुख प्राप्त होता है। यदि सपने में आपका हिसाब किताब बिल्कुल सही बैठ रहा है ना, तो आपको एक पत्नी जो है आपकी, शीघ्र ही आपको पत्नी मिल जाएंगी, या फिर जो कोई पत्नी यदि कोई लड़की देख रही है, ऐसा कुछ कर रही है साहब वगैरह, तो उनको जल्दी ही पति मिल जाएंगे, ठीक है। और जो कह लीजिए प्रेमी हैं या प्रेमिकाएं हैं, उनका यह है कि उनका प्रेम अच्छा चलेगा यदि हिसाब किताब उनका सही दिखता है तो सपने में। यदि गड़बड़ दिखता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी आपके रिश्ते में। तो यदि आपको हमारी वीडियो जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।